महाराष्ट्र की राजनीति में एक ये भी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस की या तो डायरेक्ट ऑफशूट्स है या फिर अगर आइडियोलॉजिकली भी अगर डिफरेंट है, उन्होंने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होके अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब इसमें क्या हुआ है, परिवारवाद बहुत स्प्रेड हो गया है। नाउ दैट इज अनदर थिंग कि आपने आकर, प्राइम मिनिस्टर सर ने आकर वो परिवारवाद को मिटाने की काफी काफी एफर्ट्स लिए हैं, सीरियस एफर्ट्स लिए हैं। और यस्टरडे द होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑल्सो सेड कि आज जो पार्टियां टूटी है वो परिवारवाद के वजह से टूटी है, ना कि हमने तोड़ी है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू ब्रेक दिस लूप ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या देश की भी बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक ऑर्डर तैयार होती है। देखिए, जब वर्ल्ड ऑर्डर ये अमेरिका डिटरमिन करता है तो जो इथोस अमेरिका तैयार करता है वर्ल्ड उसको स्वीकारता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर होती है उसके अपने मूल्य होते हैं, उन मूल्यों पर आधारित अलग अलग प्रकार के लोग तैयार होते हैं। इसी प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्डर इस देश में कांग्रेस ने तैयार की और फिर उस पॉलिटिकल ऑर्डर को प्रमाण मानते हुए हमारे देश में कई पार्टियां तैयार हुई जो ये मानते थे कि कांग्रेस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही सही है, परिवारवाद यही सही है, पैसे के भरोसे पॉलिटिक्स यही सही है। और अलग अलग पार्टियां जो बनी, भले उनकी आइडियोलॉजी अलग थी पर उनके लिए प्रमाण पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं वो कांग्रेस ही था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी कि जिसने हर तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नकारा और एक अपनी ऑर्डर तैयार की। और आज हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो सारी पार्टियां अब तैयार हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, दे आर नाउ फॉलोइंग, ये जो बीजेपी ने ऑर्डर तैयार किया हुआ है इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा शुरू कर रही है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि परिवारवाद का अर्थ क्या है। किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आए ऐसा इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन के बेटे बेटियां नाते पोते आए लेकिन अपने बलबूते पर आए, उसको हक समझ कर ना आए। और चाहे कोई भी डिजर्विंग हो, डिजर्विंग लोगों को दूर रख के जिस समय केवल अपने परिवार के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है तो उसको परिवारवादी राजनीति कहा जाता है, जो कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस की पतन का कारण क्या था? तो कांग्रेस में ये मान्यता थी कि नेहरू जी के घराने का व्यक्ति ही कांग्रेस को लीड कर सकता है और आज भी वही स्थिति है। आज देखिए, खड़गे जी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, खड़गे जी कोई निर्णय कर सकते हैं? कोई मानता है कि खड़गे जी निर्णय ले सकते हैं? नहीं मानता है। अल्टीमेटली निर्णय तो या तो राहुल जी को लेना है, या सोनिया जी को लेना है, या प्रियंका जी को लेना है। तो ये जो एक राजनीति की स्टाइल है, जिसका कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि एनसीपी क्यों टूटी, टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल हेयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा। आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए इसके आधार पर हमने करनी चाहिए। तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और सूडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाळा साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें केवल हम लोग परिवारवादी पार्टियों को दोषी नहीं पकड़ सकते, इसमें उनके साथ जो लोग जाते हैं, कई बार उनको चुनकर देते हैं, ऐसे लोगों का भी कुछ ना कुछ दोष तो इसमें है ही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस पूरी ऑर्डर को डिसमेंटल करने का काम,
ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और मेरा ये विश्वास है कि राजनेताओं के बेटे बेटियां आगे पॉलिटिक्स में दिखेंगे तो अपने दम पर दिखेंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखेंगे, केवल किसी के पुत्र या पुत्री है इसलिए वो पॉलिटिक्स में नहीं दिखेंगे। इस ऑर्डर की ओर हम जा रहे हैं।